हेलो गाइस, तो 21 डे चैलेंज के अंदर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग सीखने वाले हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हो गया, जो भी कोई नया सीख रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा का पूरा देखिए। जैसे कि हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट सही है क्या, सही चल रहा है क्या, वो कैसे चेक करते हैं, वही आज हम देखेंगे। तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, तो उसको HTML CSS लिखता है कोड, तो CSS का कोड सही है क्या, वो सब जगह चल रहा है क्या। जैसे कि हमारा कोड कभी कभी कैसा होता है, एज पे चलता है, क्रोम पे चलता है, फिर सफारी पे नहीं चलता, मोजिला पे नहीं चलता, फायरफॉक्स पे नहीं चलता, तो कई कई ब्राउजर पे वो सपोर्ट नहीं करता, तो वो कैसे सपोर्ट करता है, कैसे चेक करेंगे उसके लिए, वही आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मेरा CSS का पूरा पूरा कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड है 1047 लाइन का, 1147, ठीक है। तो यहाँ पे HTML का कोड है, मैं क्या करता हूँ, CSS का पूरा कोड है, जो भी CSS का कोड है यहाँ पे, ठीक है, CSS का पूरा कोड मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी और कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल एक से कट किया मैंने कोड, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एटो प्रीफिक्सर नाम का एक वेबसाइट होता है, उस पर चेक करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एटो प्रीफिक्सर, इसको यहाँ पे देखो ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही फर्स्ट लिंक है उसको आपको ओपन करना है CSS ऑनलाइन के लिए, और यहाँ पे ऐसा स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, मतलब कंट्रोल पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो कोड, जहां जहां एरर है वो सही करके देगा, ठीक है, जहां जहां हमारा एरर है, कहां कहां हमने गलती किया है, वो पूरा पूरा क्या करेगा, एरर सॉल्व करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको ठीक करेगा। और ये कोड क्या करेगा, पूरा का पूरा हमारा, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, सफारी हो गया, सभी ब्राउजर पे कोड रन होगा और अच्छे से चलेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर यही काम करते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है, वैसे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, वेबसाइट होने के बाद इसको चेक करना पड़ता है और इस कोड को हमारे वेबसाइट के अंदर डाला जाता है, ऐसे फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, ठीक है। तो आपको किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताइए, ऐसे फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। जो भी वेबसाइट बनने के बाद, जो भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं, वो कोड लिखने के बाद हमको ऐसा चेक करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोड को हम कॉपी करेंगे, जो भी ये कोड हमको डिटेक्ट करके दिया है, कहाँ कहाँ एरर है उसको सही करके दिया है, इसको सबको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए मतलब कंट्रोल ऑल करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे मतलब कॉपी करेंगे, और हमारे CSS के फाइल के अंदर हम कंट्रोल पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखो कोड कितने लाइन का था, और यहाँ पे देखो कितने लाइन का हो गया, 1147 लाइन का था, और यहाँ पे देखो 1220 लाइन का अभी हो गया है। तो ऐसे आप कोड को सही करके लिख सकते हो, और किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए, इतना इस वीडियो में हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस।